गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। एग्ज़ाम सिर पे आ रहे हैं, छुट्टियों में क्लास लग रही हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे और प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर करेंगे। अगर आप 5 पेपर भी प्रीवियस ईयर के प्लस टू के कर लेते हो तो आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और पास तो 100% हो जाओगे। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ 2019 का अपना पेपर भाई, ठीक है। यह है 2019 का सेट नंबर ए। 20 में हुआ था पेपर, 21 में नहीं हुआ था और 22 में हुआ था, ठीक है। तो 22 वाला सॉल्यूशन भी मैंने डाल रखा है, लेकिन ये इस बार जो आप पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हो, जो बच्चे हरियाणा बोर्ड में इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10th में भी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो ये इस तरह से आपको पेपर मिलेगा, वहाँ पर 4 आपके कोड होंगे ABCD, और ये इंस्ट्रक्शंस होंगी सारी, जिन्हें मैं फटाफट 1 मिनट में बता देती हूँ। कि सबसे पहले आपके हाथ में अगर पेपर आता है तो हर बच्चे ने चेक करना है कि पेपर में सारे पेज और सारे क्वेश्चन हैं या नहीं। अगर मिस प्रिंट है तो पेपर मिलने से शुरू करने से पहले कंप्लेंट कर देनी है, पेपर चेंज हो जाएगा। शुरू कर दिया उसके बाद पेपर चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये आगे इन्होंने कोड नंबर और सेट वगैरह लिखा हुआ है। ये कहता है कि प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले क्रमांक अवश्य लिखें। स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस वहां पर प्रश्न नंबर 1 डाला और अपना सॉल्यूशन शुरू कर दिया। कोई पेज बीच में खाली ना छोड़ें। आगे चलते हैं। कोई अतिरिक्त शीट आपको मिलेगी नहीं, पता होगी ये बात तो सभी बच्चों को। 36 शीट का आपको पूरी एक किताब टाइप में मिलती है, उसमें ही आपने पूरा पेपर कवर करना है, चाहे आप सारी भराओ चाहे सारी छोड़ाओ, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ग्राफ मिलेगा एक्स्ट्रा। रोल नंबर जरूर लिखना है क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि पेपर के बाद आपकी कोई भी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब आ जाओ, हमारे पेपर के 4 हिस्से हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। ए में हमारे एक एक नंबर के कितने आएंगे, 16 आएंगे, ठीक है। जिसमें ये कह रहा है कि 6 बहुविकल्पीय हैं। बहुविकल्पीय का मतलब MCQ, इंग्लिश में भी हैं, इंस्ट्रक्शंस नीचे हैं वो मैं बता दूंगी। 16 में से केवल 6 प्रश्न MCQ हैं और 10 ऐसे हैं जो MCQ नहीं है, उनका उत्तर आपने लिख के आना है। सेक्शन बी में 10 प्रश्न हैं, दो दो नंबर के। सेक्शन सी में 5 प्रश्न हैं, चार चार नंबर के। सेक्शन डी में 4 प्रश्न हैं, 6-6 नंबर के। और डी सेक्शन में जो 6 नंबर वाला है उसमें आपको चॉइस भी मिलेगी, 2 में मिल रही है मेरे ख्याल से, हम देख लेंगे जब करेंगे। यही इंस्ट्रक्शंस जो मैंने अभी हिंदी में बताई हैं वो सारी इंग्लिश में है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ग्राफ पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा। आप ग्राफ में अगर करके आते हो तो बहुत अच्छे से अटैच करके आना है, नहीं तो आप पेपर में भी ग्राफ बना के आ सकते हो। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, थोड़ा और इसको मैं बड़ा करके साइड में कर लेती हूँ, ठीक है भाई, विजिबल है ये। अब ये है बेटा हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमारे एक एक नंबर के आएंगे। ये हमारा आ जाता है पहली एक्सरसाइज में से, पहले चैप्टर में से, फाइंड FOG। अगर F कोई फंक्शन है, R से R तक, G कोई फंक्शन है R से R तक, और हमारा FX है cos x, gx है हमारा 3x2। पेपर में कुछ नहीं करना, एक नंबर का है, जितनी जल्दी हो सके अपने रफ पेज में पीछे आपने कैलकुलेशन करनी है और आंसर लिख देना है। FOG का मतलब है f of gx, ठीक है। f आगे लिखना है, पीछे हमने लगाना है gx, ठीक है। f को यहीं रखना है, gx की वैल्यू कितनी है, 3x2। क्लियर है। FOG, O को भूल जाए, कॉम्पोजिशन होती है, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो F of gx आ जाएगा, gx की वैल्यू यहाँ रख दो 3x2। अब f का मान 3x2 पे निकालना है। अब सिंपल सी बात समझो कि fx है cos x। अगर f का मान मैं 60 डिग्री पे निकालूं, बहुत सिंपल सी बात है भाई, पाई बटा 3 पे, तो मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूंगी, पाई बाई 3। तो अब यहाँ पाई बाई 3 की जगह मैंने रख दिया 3x2। तो इस फंक्शन में x की जगह जब 3x2 आ गया तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, cos 3x2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि इसने यहाँ पर कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो आपको अपनी आंसर शीट पे ये आंसर लिख के आना
पढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, इसको इसी पे बता देती हूँ, बहुत ही आसान सा है भाई। ये है साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू, अभी हमने करा है, इस पे कोई थीटा वीटा कुछ नहीं लगाना, दिमाग से काम लेना है। साइन की वैल्यू एक बटा दो कितने पे होती है, साइन की वैल्यू वन बाय टू 30 डिग्री पे होती है, लेकिन ये माइनस का वन बाय टू है तो माइनस। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं, इसके लिए आपको साइन की प्रिंसिपल वैल्यू याद होनी ज़रूरी है। हाँ, क्या है नेहा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू क्लोज्ड इंटरवल है साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब हम माइनस 30 डिग्री, माइनस 30 कौन सा इनमें से, ये है माइनस पाई बाय सिक्स, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तीसरे पे चलें, तीसरा भी आसान है, हिंदी में भी है, जिन बच्चों को इंग्लिश समझ में ना आए हिंदी में भी स्टेटमेंट साथ साथ है। एक थ्री कंस्ट्रक्ट 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये आपकी एक्सरसाइज में से ही, एनसीईआरटी में से ही है। ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ आई माइनस 3j। ठीक है, तो इसको लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं हम अपना यहाँ पर। तो ये है थर्ड क्वेश्चन हमारा, ए आई जे हमें दे रखा है 1/2 आई माइनस 3j, और हमें 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3/2 में 6 एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से आएंगे, रफ देखो ये रफ है, लेकिन अगर ये दो नंबर में आ जाए तो है, अदरवाइज फिर सुन लो मेरी बात, एक नंबर के लिए मैट्रिक्स बना बना के नहीं देखना है, दिमाग से ज़्यादा काम लेना है। एक नंबर के लिए भाई मुझे चाहिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक कर रही हूँ मैं, 3 1 गलती कर रही हूँ मैं, गलत कर रही हूँ मैं, आपने ध्यान नहीं, हाँ हाँ ये चीज़ नहीं आएगी हमारी, ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 और 3 2, ये 6 एलिमेंट्स हमें चाहिए भाई। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे मन में ही बल्कि करते चलना है, एक मैं करके दिखा देती हूँ, तुम्हें दिमाग से ज़्यादा यूज करना है। 1 1 का मतलब हो जाएगा भाई 1/2, यहाँ 1 रखो, 3 1 जा 3 रखो, एक में से 3 गया 2, लेकिन मॉडुलस है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, जब मैं 1 2 की बात करती हूँ तो यहाँ 1 रखूँगी, यहाँ 2 3 जा 6 का मैग्नीट्यूड, 6 में से 1 गया 5, हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा 5/2। ठीक है, मैं अब यहीं पर बना दूँ फटाफट से, भाई देखो ये बनेगा 1, ये बनेगा 5/2, अब ध्यान देना 2 1, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 3 2 - 3 1, ये आएगा 1/2। ऐसे करना है आपने एक नंबर के लिए, आखिरी के 15 मिनट बचा के रखने होते रिवीजन के लिए। 2 2 2 यहाँ लगाया, 3 में से 2, 3 2 6 हैं, और 4 1/2, 4 को 2 से भाग करोगे तो बेटा 2 आएगा। 3 1 का मतलब है यहाँ 3, यहाँ 1, तो 3 में से 3 माइनस गया तो 0, समझ आ रहा है ना, जल्दी तो नहीं हो रहा, पक्का। 3 2 भाई यहाँ 3 रखा, यहाँ 2 रखा, 3 2 6 का मैग्नीट्यूड 3/2, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर ऑप्शन है तो टिक लगा देना है, नहीं है तो इसको आंसर शीट पे आपने, टिक का मतलब आंसर शीट पे भी नंबर डालना है, क्लैरिटी से अच्छे से करके आना है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका भी आगे आप देखोगे ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चौथा क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन के 16 पार्ट हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसके 16 पार्ट हैं, तो कहीं आप तुम सोचो कि ये चौथा पार्ट है, तो ये चौथा क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से हमारा। ये कहता है कि अगर हमारा ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो एक्स की क्या वैल्यू है। तो ये मैंने आपको समझाया था कि भाई डिटर्मिनेंट जब आ जाए क्या करेंगे, नहीं मतलब इसकी इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स नहीं है, बहुत ध्यान से, हाँ पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर मैट्रिक्स होता तो मुझमान नहीं था, यहाँ एक्स है यहाँ 2 आ जाता, लेकिन फिर तुम ये देखो ना कि यहाँ एक्स है यहाँ 4 है तो बराबर थोड़ी है, ये डिटर्मिनेंट है। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, डिटर्मिनेंट है तो पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए क्या करूँ, 3 1 जा 3 - x² और ये हो जाएगा भाई 3 1 जा 3 - 4 2 जा 8, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का स्क्वेयर 8 आएगा, 8 को तुम लिख दो भाई 4 गुणा 2, इसका भी अंडर रूट कर दो और इसका भी, ये तो x बचेगा, बहुत ध्यान से समझना है,
एक तो इसका उत्तर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, चार का अंडर रूट पूरा हो जाएगा, दो और दो प्राइम नंबर है तो रूट दो, ये आपका आंसर होगा क्योंकि आपको ऑप्शन दे रखा है तो आप इसमें से चेक कर सकते हो, ये सी हमारा राइट आंसर है। फर्क समझ आया? ये बहुत बड़ी गलती बच्चे कर देते हैं, पकड़ नहीं पाते इस बात को। अगले पे चलें, फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ भाई। डिफ्रेंशिएट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कॉस, और ये क्योंकि एक्स नहीं है जब डिफ्रेंशिएट करोगे, हाँ तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो पहले तो साइन को बदल लो, कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव, और एक्स स्क्वेयर को फिर से कर दो तो क्या हो जाएगा? टू एक्स। ऑप्शन दे नहीं रखा तो आंसर राइट कराना। समझ आ गया? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुझे तो समझाना पड़ रहा है, तुम्हें पेन भी नहीं चलाना है, तुमने सीधा आंसर लिखना है, कोस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव, एक्स स्क्वेयर की हो गई दो एक्स, यूं का यूं अपना आंसर वहां लिखाना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला है हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज जहां आ जाए वहां क्या बताया है मैंने? डिफ्रेंशिएशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो भाई कुछ नहीं लिखना, एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वेयर। इसका रेट ऑफ चेंज यानी इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, यहां इसने कह रखा है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो भाई मैंने क्या निकालना है? डी ए बाय डी आर, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वेयर की टू आर, और कब? जब आर तीन है तो इसकी जगह तीन रख दो, तो थ्री टू जा सिक्स पाई आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। और आपने टिक नहीं लगाना है, अपने आंसर शीट पे इसको लिख के आना है। क्लियर है? मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, ये देखो भाई सातवां, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और ये कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू टू। क्या करना चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जल्दी से बताओ भाई, ये यही चीजें तो हैं बस, अब सारी डिफरेंशिएशन चल रही है। डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब भी डिफरेंशिएशन है, जो भी फंक्शन दे रखा उसको उठा के डिफरेंशिएट कर दो, लास्ट में जो वैल्यू दे रखी है वो उसके अंदर पुट कर दो। दीपिका आ रहा है समझ में? भाई ये फंक्शन है, कर दो भाई डिफरेंशिएशन फटाफट से, थ्री और इसकी एक्स की वन, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये आ गया स्लोप, और उसके अंदर आपने एक्स की जगह दो पुट कर देना है तो वो आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो थ्री इंटू टू स्क्वेयर माइनस वन, टू स्क्वेयर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस वन, कितना आ जाएगा? इलेवन आ जाएगा। आसान है, दो चीज़ों में डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया में डिफरेंशिएशन करी है, बात पकड़नी है तुमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट में हमने फंक्शन की डिफरेंशिएशन करी है, अगर वैल्यू दे रखी है पुट करनी है, वैल्यू नहीं दे रखी है वहीं की वहीं छोड़ देना है, जो स्लोप पूछ रखा है वो हमारा आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, आठवां पार्ट है ये। क्या करना चाहिए? टेंजेंट इनवर्स एक्स को जेड पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स को जेड पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन का एक एक फॉर्मूला यहाँ रिवाइज हो रहा है, टेंजेंट इनवर्स दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो तो वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये बन जाएगा डी जेड। अब ध्यान देना मेरी बात पे, कलर चेंज करके बताती हूँ, ये जो वैल्यू है ये ऊपर है, ये नीचे थे, इनके बीच में लाइन है, तो ये वैल्यू है, ये तो बन गई डी जेड, और भाई ये जेड, तो ये पूरी इंटीग्रेशन किस में बदल जाएगी? मोड कहाँ से आ गया? नहीं, पहले इसको भाई यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो साइन जेड और ये पूरा बन जाएगा डी जेड, और साइन जेड की इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस एक्स, नहीं जेड,
और प्लस में आ जाएगा सी। लास्ट में जेड की वैल्यू पुट कर दो, क्या है जेड की वैल्यू, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो माइनस कॉस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, चलूँ आगे, समझ आया पक्का। नाइन्थ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टी है बिल्कुल सिंपल है, वर्बल क्वेश्चन है, पेन भी नहीं उठाना वैसे तो इसमें। माइनस वन टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस वन टू वन साइन फाइव एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, माइनस वन टू वन साइन फाइव एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स। आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, एक नंबर में, सुन लो मेरी बात, एक नंबर में अगर दोनों लिमिट ऊपर नीचे की बराबर हैं तो 99.900 तो मैं नहीं बोलूँगी, जीरो उत्तर आएगा, क्योंकि इसके अंदर का फंक्शन अगर ओड हो ना तो ये लिमिट होने पर आंसर जीरो आ जाता है। अब ओड का मतलब यहाँ माइनस लगा के देख लो, यहाँ माइनस लगाओगे तो प्लस में बदल जाएगा, और साइन के साथ जब भी हम माइनस एक्स लगाते हैं तो उसमें से ऑलवेज माइनस बाहर आता है, तो ये हिस्सा नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये ओड फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या बन जानी है, जीरो। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आ जाएगा। ये हिंट दे रही हूँ मैं, क्लू दे रही हूँ उन बच्चों को जिन्हें सारे फॉर्मूले याद नहीं होते। तो जब भी इस तरह की कोई लिमिट आए, एक नंबर की बता रही हूँ मैं, ऊपर नीचे बराबर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो 99.9% आपका उत्तर जीरो आएगा। क्लियर है, आगे चलें। आगे हमारे दो क्वेश्चन हैं, ऑर्डर और डिग्री के हैं भाई, ये हिंदी में है, इंग्लिश में लेते हैं, नो हो गए ना हमारे। दसवें पे आ जाओ जरा, ये आ गए हम दसवें पे, ये टेंथ की स्टेटमेंट है, ये इलेवेंथ की, दोनों में ऑर्डर एंड डिग्री है, और आपने बतानी है मेरे को द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा बड़ा करूँ इसको, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं दिख रही हो तो मैं लिख देती हूँ, टू एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ऑर्डर बताओ इसका जल्दी से, दो, बिल्कुल सिंपल, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर होता है। इसकी हमने डिग्री बतानी है, ये मैं पढ़ के बता दूं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, हाँ, प्लस टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। कैसे पता लगा डिग्री एक है, हाईएस्ट, पहले ऑर्डर देखना है, सबसे बड़ी पावर तीन है लेकिन वो एक ही बार आ रही है, यानी उसकी भी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी पावर वो डिग्री होती है, और वो हमारी एक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैं इसी पे बता देती हूँ, यहीं देख लो। यदि हिंदी में नहीं लेंगे, इसमें लेंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या फॉर्मूला, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन, देखो ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो लिख रही हूँ, तुमने लिखना भी नहीं है, 0.2 और एफ की हो जाएगी 0.3, इसको कैसे सॉल्व करें, डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर है, ये सब बहुत ही आसान से क्वेश्चन और ये रिपीट होते रहते हैं हर साल। आगे आ जाओ, फिर प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपकी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, ध्यान देना अगला है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, हाँ बोलो बेटा, पी ए इंटू पी बी, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी की गुणा हो जाती है, ये 0.3, 0.6 कुछ नहीं करना, 6 3 18, डेसिमल के बाद दो डिजिट से यहाँ आ जाएगा 0.18, ऑप्शन दे नहीं रखा। चलें आगे, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होते हरियाणा बोर्ड के पेपर। आगे चलते हैं 14th पे, ए बैग कंटेन्स 4 white and 6 black balls, 4 white हैं 6 black ball हैं,
टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। भाई पहले निकाली, उसका असर दूसरी पे नहीं पड़ रहा है, फिर दोबारा निकाली, दोनों को उठा के गुणा कर दो। ये कहता है कि दोनों बॉल ब्लैक हो तो क्या हो जाएगा, बी वन बी टू, पहली भी ब्लैक हो और दूसरी भी, पहली ब्लैक हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होएगी इसमें से जल्द, एक मिनट, ब्लैक भाई चार वाइट हैं, सिक्स ब्लैक हैं, तो ब्लैक बॉल एक बार निकाल, टोटल बॉल्स कितनी हैं और ब्लैक कितनी है, तो सिक्स बाय टेन, और सिक्स बाय टेन थ्री बाय फाइव, थ्री बाय फाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन बाय ट्वेंटी फाइव। आई बात समझ में, टोटल फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, छः ब्लैक बॉल्स हैं और टेन रेड हैं, टेन टोटल हैं, तो छः बाय दस आ जाएगा। क्लियर है, चलूँ आगे, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम, फिफ्टींथ पे आ गए। फाइंड द यूनिट वेक्टर, यानी कि जो हमारा उत्तर है वो यूनिट होना चाहिए, वेक्टर यानी उसका मॉडुलस एक होना चाहिए, ऑफ द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए दे रखा है और बी दे रखा है, ए और बी के सम का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए प्लस बी कर दूं तो सीधा, ए प्लस बी, देखो ये 2i प्लस 2j माइनस 5k, ये है 2i प्लस j प्लस 3k, दोनों का सम हो जाएगा 4i, बोलो, प्लस 3j और माइनस 2k। बहुत ध्यान से सुनना, इसने कहा था सम ऑफ वेक्टर्स, सम कर दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस सम से जो नया वेक्टर आया उसको यूनिट में बदलना है। मान लो इसका नाम c है तो क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फोर स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस माइनस टू स्क्वेयर का अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस कितना हो गया 29 का अंडर रूट। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर c बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इस वेक्टर को 4, इस पूरे को ना 29 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बाय रूट 29 आई प्लस 3 बाय रूट 29 जे माइनस 2 बाय रूट 29 के, हो गया यूनिट वेक्टर पक्का। चलें आगे, लास्ट रह जाता है हमारा 16th क्वेश्चन और देख लेते हैं। इफ़ द डायरेक्शन रेशोज, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ साथ साथ ध्यान देना है, इफ़ द डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन आर 2 माइनस 1 एंड 2, ध्यान देना डायरेक्शन रेशो हैं 2 माइनस एक और माइनस दो, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। पिछले में और इसमें कोई फर्क नहीं है, डायरेक्शन रेशो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर उसके कोसाइन बनाने हैं तो फिर से वही तरीका लगेगा। पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई, इनके स्क्वायर का सम निकालो और हर एक को उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये ना दो माइनस एक, दो रफ में करना है तुम्हें, तो आंसर लिख के आना है, वहाँ पे पूरा मेथड की जरूरत नहीं है। तो बेटा जी ये हो गया दो का स्क्वेयर माइनस एक का स्क्वेयर प्लस माइनस दो है भैया, माइनस दो के स्क्वेयर का अंडर रूट फोर प्लस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, नो का अंडर रूट तीन, तीन लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं रेशो के अंदर, कोसाइन के अंदर एक ही ले लेंगे हम इसको, क्योंकि कोसाइन सिंगल होता है तो उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 और माइनस 2 बाय 3। इनमें और उसमें क्या फ़र्क है कि जब इनका स्क्वायर का सम करोगे एक आएगा, डायरेक्शन रेशो के स्क्वायर का सम एक नहीं आता। अब ये हो गए हमारे एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन। एक बार फिर थोड़ा सा ध्यान किस बात पे देना है कि इन दोनों क्वेश्चन में हमने एक ही मेथड लगाया है, वेक्टर था यूनिट वेक्टर में बदलना था, ये भी यूनिट वेक्टर ही बन जाता है, इसका भी मैग्नीट्यूड एक आता है। तो यहाँ क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला और उससे डिवाइड किया, यहाँ भी मैग्नीट्यूड निकाला और उससे डिवाइड किया। थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये 13th क्वेश्चन है और जो 12th किया था
वो भी प्रोबेबिलिटी का लगभग मिलता जुलता था। उससे पहले जो सर्कल वाला नहीं आया था, डी ए बाई डी आर और टेंजेंट वाला, तो एक टॉपिक पे दो 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 क्वेश्चन आपको वन वन मार्क के मिल रहे हैं। तो ये था बेटा पूरा सेक्शन ए। अब आगे चलते हैं सेक्शन बी, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर के। क्लियर? चलूँ करें स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। लेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन मार्क में भी आ जाता है बाइनरी ऑपरेशन का, और क्योंकि अब इस बार दो दो नंबर के आएंगे, पिछली बार तो 42 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के, तो ये 100% आएगा बाइनरी ऑपरेशन का। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर के ऊपर एक ऑपरेशन लगा दिया गिवन बाय ए स्टार बी। जैसे जमा घटा होता है ऐसे ए स्टार बी का मतलब है कि ए और बी का एलसीएम, ठीक है? तो भाई ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए बी। तो अब ये कहता है कि 5 star 7 निकालो। अब ये दो नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये बात आपने भूलनी नहीं है, दो नंबर का है, तो थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करके आना है। क्या एक्सप्लेन करोगे कि गिवन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन में अच्छे मेथड से आपको बता देती हूँ, गिवन ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, हमें निकालना है 5 star 7, तो ये हो जाएगा एल सी एम ऑफ 5 and 7, और ये सब बच्चों को पता है 5 और 7 का एल सी एम क्या होता है, 35। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चले आ गए, ये दो नंबर दे देगा आपको, एक एल सी एम एक लघु उत्तम आपको दो नंबर दे देगा। तीसरे पे आ जाओ, फाइंड द, ये ध्यान रखना भी थोड़ा सा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब, देखो वैसे तो बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि भैया इनवर्स से साइन कट गया, है ना, ज़्यादातर बच्चे ही याद कर लेते हैं कि बाहर इनवर्स है और अंदर साइन है तो कट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर्टी होती है जिसको आपने यहाँ लिख के आना है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो, प्रिंसिपल रेंज में हो तो, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये एंगल 90 से बड़ा है, चेक कर लो, 18 18 54 540, 540 को 5 से भाग करोगे तो 100 से ऊपर कूदेगा, तो 90 से बड़ा है। तो यहाँ पहले हमें एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी क्या लगेगी, इसको हमें 90 से नीचे ला के डालना है, इसको हमें 90 से नीचे लाना है। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, प्लस वन में आ जाती है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ना लिखकर, ये बता रही हूँ मैं, साइन इनवर्स साइन, और इसको मैं लिख दूँ पाई माइनस 3π/5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 है भाई, एक मिनट, ये 5 है, ठीक है, 3π/5, बात समझ आ रही है भाई? पाई थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3π/5 की जगह पाई माइनस 3π/5 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अब सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 में से 3 गए 2, 2π/5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब ये देखो 18, भाई याद नहीं रहे आपको तो पाई का मतलब 180, 18 × 36 360, 360 को 5 से भाग करोगे तो 72 आएगा, 90 से कम आ रहा है, हमारी रेंज में आ रहा है। अब हम साइन इनवर्स और साइन को आपस में कैंसिल करके हटा सकते हैं, ये हट जाएगा, काटना नहीं होता है, मैंने बताया था ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये आ जाएगा 2π/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? ये प्रॉपर्टी सेकेंड चैप्टर में हमारी है, 2.2 में, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होगा अगर ये थीटा 0 से 90 के बीच है तो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, बिल्कुल वर्बल है, वर्बल इन द सेंस कि भाई उत्तर तो एक मिनट में आ जाएगा, लेकिन दो नंबर का है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन आपने करके आना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, 2a+b आपने निकालना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ए भी लिख के आओ, बी भी लिख के आओ, ठीक है, पहले ए लिखो फिर बी लिखो, वरना आप अगर ऐसे भी कराते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे 2 ब्रैकेट में ए,
2, 4, ये थोड़ा दूरी पे लिखना था हमें, 2, 4, 3 और 2 हमारा आ जाता है, क्या है यहाँ 4 है, और प्लस b की जगह बेटा 1, -2 और 5। चलें आगे, 2, 2, हाँ बोलो, 4, 8, 6, 4, चलें 1, 3, -2 और 5, 5, 11, 4, 9, ठीक है। मुश्किल था? बिल्कुल नहीं था। पांचवें पे आ जाओ, पांचवें में भी डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को भाई मिक्स मत कर देना, गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। ए हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान देना है, 1, 2, 4, 2 एंड शो दैट 2A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A। हाँ, लेफ्ट साइड अलग सॉल्व करनी है, राइट अलग करनी है, तो पहले 2 को 2A निकालो, डायरेक्ट कर दो क्योंकि लंबा हो जाएगा, नहीं तो 2 और इस देखो 2A का डिटरमिनेंट, और जरा ध्यान से करना 2, 4, 8, 4, 2, 4 जा 8, हाँ 8, 4 जा 32 और माइनस का 24। सीधा कर देते हैं, 4 × A का डिटरमिनेंट, तो 4 को तो बाहर ले लिया, A का डिटरमिनेंट ये हो गया, 4 को बाहर ले लिया, ये हो गया 2 − 8, ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में -6, ये भी आ गया -24, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने लिख के आना है फ्रॉम 1 एंड 2, 2A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A, क्लियर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि जिसमें y अलग नहीं हो सकता, फाइंड dy by dx फ्रॉम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। देखो आपको ना पेपर का पैटर्न भी यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने ना तो कोई सैंपल पेपर जारी किया है, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। dy by dx निकालना है, सिर्फ एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी पेपर में, है ना भाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, करवाओ डिफरेंशिएशन, 2x की 1, 3y की dy by dx, sin y का डेरिवेटिव cos y y डैश की सारी टर्म्स एक तरफ ले लो, चाहे तो इधर ले आओ चाहे उधर ले जाओ, 2 इज इक्वल टू cos y माइनस 3 y डैश, y डैश को यहीं रखो, इसको नीचे ले आओ, 2 by cos y minus 3 इज इक्वल टू y डैश, ये हमारा dy by dx आ जाएगा, ठीक है। अगला भी फिर से dy by dx का आ रहा है, लेकिन ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, 7th क्वेश्चन को, इसमें क्या करना है, इसमें हाँ करना तो है, कैसे करोगे, x है 2at² y है at⁴, क्या करें, कैसे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t, इससे हम निकालेंगे dx/dt, हाँ बोलो dx/dt क्या आएगा, 2 × 4 at, और इससे निकालेंगे dy/dt, हाँ बोलो at³, वेरी गुड। इन अब dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, और ये हो जाएगा 4at³/4at, t³ से t कैंसिल होकर t² हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलें आगे, 8th पर हमारी फिर से इंटीग्रेशन आ जाती है, 8th देखो भाई, वेरी गुड, u इंटू v से बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको, i इज इक्वल टू x साइन x dx, कौन सा रूल लगाएं, लेकिन उसके लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन तो चूज करना पड़ेगा ना हमें, आई लेट है ना, आई लेट में ये कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रिक, ये तो एलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, x को फर्स्ट ले लो, साइन x को सेकंड ले लो, तो नहीं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन
माइनस एक मिनट माइनस इंटीग्रेशन में पहले वाले की डिफरेंशिएशन, दूसरे की इंटीग्रेशन और पूरे की फिर से इंटीग्रेशन। समझ आया? आगे बढ़ूं। x एज इट इज साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये नहीं भूलना है। और इसकी डिफरेंशिएशन एक, इसकी माइनस जो कि बाहर आके हो जाएगी प्लस। अब एक को कॉस x से करोगे कॉस x आएगा, कॉस x को उठा के एक बार फिर इंटीग्रेट कर दो, कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x और प्लस में आ जाएगा सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन है विद लिमिट्स, यहीं बता देती हूँ मैं, बहुत ही आसान है ये। 1/x 2 to 3 dx, क्या बताया? log ऑफ मॉड x बिटवीन द लिमिट्स, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे log 3, मोड करोगे तो 3 रह जाएगा, पॉजिटिव है, और माइनस log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका क्या करें? log m माइनस log n हो जाता है, log m by n, तो ये हो जाएगा log 3/2, दैट्स ऑल, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो रह जाते हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एलिमिनेटिंग ए एंड बी। ना भी लिख रखा हो तो भी ऑब्वियस है कि भाई हमने कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना ही करना है। तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है, इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार हमने डिफरेंशिएट करना होता है। ए और बी दो कांस्टेंट है तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो 1/a, ठीक है, और इसका हो जाएगा dy/dx/b और 1 का हो जाएगा 0। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको उठा के राइट में ले जाओ, dy/dx/b इज इक्वल टू -1/a। भाई ये हमने ऐसा क्यों करा, ये थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। हाँ, इसको अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये b ख़त्म नहीं होएगा। कर तो तुम यहाँ से भी सकते हो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। चलो ऐसे भी कर दो, चलो दोनों बातें बता देती हूँ मैं। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये 0, ध्यान देना मेरी बात पे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डबल और बटे में बी इज इक्वल टू 0। इस बी को फिर राइट में ले जाओ तो वाई डबल डैश आ गया 0। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको राइट में ले जाओ, अगले स्टेप में बी को उधर ले जाओ, वाई डैश इज इक्वल टू -b/a, कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए, फिर डिफ्रेंशिएट करो तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। किसी भी तरीके से कर लो, आंसर यही आएगा। ये आपकी अपनी समझ है, थोड़ी प्रैक्टिस है। चलिए ये लास्ट है हमारा 2 मार्क्स का। अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, एक सिक्के को 10 बार उछाला गया है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड्स, एग्जैक्ट 6 बार हेड आए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से होगा ये क्वेश्चन हमारा। तो जितनी बार सिक्के को उछाला है वो तो बेटा n होता है, 10 बार उछाला है, जितनी बार हेड उसने मांगा है वो r हो जाता है। अब थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, हम इसने तो 10 बार उछाला है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक बार वाली प्रोबेबिलिटी कंसीडर की जाती है, कि व्हेन अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस, तो हमने मान लिया p हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ले लो इसको, वैसे हाँ 1/2 हो जाएगी, और q हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो कि 1/2 है, ठीक है। हमें ये पता है कि x इज इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी क्या थी, n c r, और q की पावर n माइनस r और p की पावर r। p वैल्यू हम इसके अंदर यहाँ पुट कर देंगे, n कितना है भाई 10, c 6, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10 माइनस 6 4, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6। इसको सॉल्व कर दो
तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करोगे यहाँ छोड़ सकते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10। ठीक है, थोड़ा ऊपर से इरेज करके इसको बता ही देती हूँ मैं जल्दी से आपको। तो ये आ गया 10 9 8 7 6 factorial by 6 factorial, और 4 का फैक्टोरियल हमने खोल लिया। 2 की पावर 10 1024 होता है, याद कर लेना। तो ये हो जाएगा 1/1024। 6 factorial से 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 3 3 9 7 3 21, 210/1024। और काट दो इसको, 2 1 2 0 2 5 10, और ये 512 आ जाएगा। ये 3 पे फिर कटेगा, 3 3 9 3 5 15 3 1 3 5 और 1 6 2 8, 3 पे नहीं कटेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 105/512। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन ए और बी। अगले लेक्चर में सेक्शन सी और डी को कवर करेंगे, जिसमें हमारे बड़े क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।